Dance India Dance. Welcome to सबसे बड़े डांसिंग स्टार की खोज Lux Dance India Dance. And now we present you Salman. Alicia. Ladies and gentlemen, जोरदार तालियां Lux Dance India Dance के चार फाइनलिस्ट के लिए. हेलो हिंदुस्तान और सारा जहां, वेलकम टू सबसे बड़े डांसिंग स्टार की खोज Lux Dance India Dance. 16 हफ्तों के बाद हमें मिल चुके हैं Lux Dance India Dance के चार फाइनलिस्ट. प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर सलमान, सिद्धेश, अलीशा और जय. आप सभी फाइनलिस्ट जाकर अपनी जगह पे बैठ सकते हैं. थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट. आज के घमासान को देखकर आप अपनी पलकें भी झुका नहीं पाएंगे, लेकिन ये जंग शुरू करने से पहले स्वागत करते हैं हमारे तीनों मास्टर्स का. सो प्लीज वेलकम रेमो डिसूज़ा, गीता कपूर और टेरेंस लुईस. टेरेंस, ओ माय गॉड, आप तो बिल्कुल अलग गेटअप में हैं आज. तो आप मिथुन दास से टोटली इंस्पायर्ड हैं. मुझे लगता है ये मास्टर की कुर्सी छोड़ के कहीं उस कुर्सी पे बैठने का इरादा तो नहीं है. Well, उसकी तो मैं हिम्मत नहीं कर सकता और ना ही जुर्रत करूँगा, लेकिन हाँ, मुझे मिथुनदा को सरप्राइज करना था और मुझे उनका चेहरा देखना है जब वो मुझे देखेंगे उन्हीं के स्टाइल में. सो व्हाट आर वी वेटिंग फॉर, प्लीज वेलकम मास्टर ऑफ मास्टर्स, ग्रैंड मास्टर मिथुनदा. सर मैं पास हो गया. सब सुन रहा था कि मिठुन दा को इम्प्रेस करने के लिए आया हूँ, तो एक पूरा मिठुन एक आधा मिठुन. और ये बप्पी दा. इसीलिए कह रहा हूँ कि तुम मुझे क्या सरप्राइज करोगे. देखो हम तुम्हें सरप्राइज दे दिया ना. डेफिनेटली सर, इसीलिए कहते हैं ग्रैंड मास्टर. दादा आज आप बहुत अच्छे लग रहे हो और मुझे आपसे कुछ कहना है. दादा अमी तुम्हारे बालो बश. अमी तुम्हारे बालो बश. थैंक यू दादा. और बंगाली दे बोली जरा जरा देखते नहीं शो पूरा भारतवर्ष, भारतवर्ष के बाहर हो जी जी जखने जखने बंगाली रा देखते हैं तादेके अमी जानाई कि अमी तुम्हारे खूब खूब बालो बश. मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज अपनी जगह पर बैठ जाइए. उससे पहले कि हमारे ग्रैंड मास्टर को मेरा स्टार याद आ जाए. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. इट्स गो ऑन. डांस के सबसे बड़े मंच पर आज हमारा थीम है पृथ्वी, यानी धरती माता. तो दोस्तों अब हो जाइए तैयार चारों फाइनलिस्ट डांसिंग स्टार के सोलो परफॉर्मेंस को देखने के लिए, क्योंकि आज के परफॉर्मेंस के आधार पर आप चुनेंगे इंडिया का सबसे बड़ा डांसिंग स्टार. जनता के बेशुमार प्यार, सपोर्ट और वोट से वो बन चुके हैं Lux Dance India Dance के फाइनलिस्ट. इतना ही नहीं, आपने इन्हें सबसे ज्यादा वोट्स देकर पहले स्थान पर पहुंचाया है. प्लीज वेलकम फ्रॉम टेरेंस की टोली जय कुमार नायर. पृथ्वी पर मनुष्य अब हैवान बन गया है. हर तरफ प्रदूषण, नफरत, आतंक और आबादी बढ़ चुकी है. इसके अंत के लिए मुझे रौद्र रूप धारण करना होगा.
कटाह संभ्रम भ्रम निलिंप निर्झरि विलोल विच्चिवल्लरि विराजमान मूर्धनि धगद्धगद्धगज्ज्वलल्ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे प्रति प्रतिक्षणं मम जटाटवीगलज्ज्वल प्रवाह पावितस्थले गले वलम्य लंबिता भुजंग तुंग मालिका पृथ्वी चल अग्नि वायु मट्ट मट्ट मन्निनाथ वट्ट मर्वयम् चकोर चंड तांडव तनोतु न शिव शिवम् अगर मनुष्य इसी तरह पाप और हैवानियत की तरफ कदम बढ़ाता रहा तो पृथ्वी का विनाश निश्चित है, निश्चित है, निश्चित है। और नीचा समय वो तांडव का फील लाने के लिए तो शायद फिसल गया और पहले ही एक्सक्यूज नहीं दूंगा, सब ठीक है। ये बहुत ही मुश्किल डांस है, मैं चाहूंगा कि ग्रैंड मास्टर आखिर बताए कि आखिर पहले बात तो चाहिए बता दूं कि आपने कहा कि मैं एक्सक्यूज देना नहीं चाहता हूं, अब अगर एक्सक्यूज नहीं भी देंगे लेकिन हमने देखा है कि आपको लगा है, लेकिन उसके बाद भी आपने कमाल का परफॉर्मेंस दिया, आपने कमाल मतलब यू हेल्ड ऑन टिल द लास्ट। और मैं टेरेंस को भी मैं ये कहूँगा कि धन्यवाद करना चाहता हूँ कि पहली बात तो सेव मदर अर्थ, धरती को बचाने की मध्य मैं समझता हूँ अभी तक बहुत कम हुआ है, अवेयरनेस बहुत कम किया हम लोगों ने, तो एटलीस्ट टू प्रेजेंट दिस लाइक दिस इज अ ग्रेट थिंग एंड अ बिग क्लैप फॉर यू बड़ी, बिग क्लैप फॉर यू, थैंक यू। थैंक यू सो मच ग्रैंड मास्टर। सो अब मास्टर से पूछते हैं कि आखिर उन्हें आपका परफॉर्मेंस कैसा लगा, सीधा पूछेंगे मास्टर रेमो से। सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा मुझे टेरेंस, वेरी नाइस, एंड जो आपका तांडव था वेरी वेल अटेम्प्टेड, हमने देखा क्या हुआ आपको, उसके बाद आपने किस तरीके से ख़त्म किया, बट आपने ख़त्म किया वही बहुत बड़ी बात है। ऑल द बेस्ट जय। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच मास्टर रेमो। मास्टर गीता आप बताइए कि आखिर आपको जय का परफॉर्मेंस कैसे लगा। जय ने आज जो रूप धारण किया है वो शिव जी का है और शिव जी को मैं बहुत पसंद करती हूँ क्योंकि वो हमेशा औरतों की दुआएं कबूल करते हैं, उनकी प्रार्थना मंजूर करते हैं। आई लव शिव जी एंड यू आर लुकिंग वेरी हैंडसम लाइक दिस टुडे। थैंक यू सो मच, वेरी वेरी हैंडसम। थैंक यू सो मच, यू आर फैब, ऑल द बेस्ट फॉर द फाइनल्स बेटा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।
थैंक यू सो मच मास्टर गीता एंड मास्टर टेरेंस, आप बताइए कि आखिर आपको जय का परफॉर्मेंस कैसे लगा? जय, आई सल्यूट योर स्पिरिट। ये जो तांडव हमने किया है रौद्र तांडव है। जब शिवा को गुस्सा आता है कि धरती पर क्या अनर्थ हो रहा है और वो एक चेतावनी देना चाहते हैं, तो उस कॉन्सेप्ट को लेके हमने ये रौद्र तांडव किया। और जय, आपने बहुत ही बखूबी से इसको निभाया, जैसे सर और मास्टर ने कहा आपको। आई रियली रियली एंजॉय द परफॉर्मेंस एंड थैंक यू वेरी मच फॉर दिस। सो जय, इस हफ्ते जनता ने आपको सबसे ज़्यादा वोट दिए थे और पहुँचाया था 1 पोजिशन पर। सो आज आपका आखिरी मौका है, मांगिए वोट। आई रियली थैंक एवरी वन, हर एक जन जिन्होंने मुझे वोट किया, जिन्होंने मुझे पसंद किया, आपका प्यार भेजा मुझे वोट के ज़रिए, आपकी आशीर्वाद मुझे मिली, तब जाके मैं आज ये परफॉर्मेंस कर पाया। जो मेरा रूप नहीं है, मैं कभी इन तक पहुँच भी नहीं सकता। एंड बस मुझे वोट करने के लिए आप टाइप कीजिए JAI एंड सेंड इट टू 57575 और बाकी की डिटेल्स आपकी टीवी स्क्रीन पर है। आप सबको याद दिला दूं कि अगर आपको वोट करना है तो आपके पास वक्त सिर्फ 30 मई 2009 8 बजे तक ही आपके पास वक्त है। तो प्लीज़ जय के लिए वोट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वोट कीजिए और इन्हें बनाइए इंडिया का सबसे बड़ा डांसिंग स्टार। थैंक यू सो मच जय, आपने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया, आप बैठ सकते हैं। थैंक यू जय। थैंक यू। ये फाइनलिस्ट जनता की आंखों का तारा बन चुका है, क्योंकि इस हफ्ते भी जनता ने इन्हें दूसरे स्थान पर रखा है बरकरार और दिए हैं 381,126 वोट। तो क्या ये डांसिंग स्टार अपने आत्मविश्वास से जनता को ये एहसास दिला पाएगा कि वो भी बन सकता है इंडिया का सबसे बड़ा डांसिंग स्टार? प्लीज वेलकम फ्रॉम रेवो के रंगीले हैंडसम हंक सलमान। कैसी है ये रुत कि जिसमें फूल बनके दिल खिले हैं, खुल रहे हैं रंग सारे, खुल रही है खुशबुएं, चांदनी झरने घटाए गीत बारिश तितलियां, हम पे हो गए हैं सब मेहरबान। देखो नदी के किनारे पंछी पुकारे, किसी पंछी को देखो, ये जो नदी है मिलने चली है सागर ही को, ये प्यार का ही सारा है कारण।
मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि एक लड़का इतने ग्रेस से एक तितली बन सकता है और इतनी खूबसूरत कहानी भी दे सकता है। सलमान, आउटस्टैंडिंग। थैंक यू सो मच। टेरेंस, यू नो ये कॉन्सेप्ट को सोलो में करना बहुत ही मुश्किल है, और रेमो ब्यूटिफुली कोरियोग्राफ्ड, कॉन्सेप्ट वाइज वेरी नाइस, बट द मोस्ट अमेजिंग पार्ट वॉज दैट स्ट्रगल। एक बार जब वो प्रदूषण चालू होता है, हमारी जो तितली होती है इट्स वेरी डेलिकेट, तो उसको क्या असर पड़ता होगा। सो आई एम रियली टच्ड, ब्यूटिफुली एग्जीक्यूटेड, एंड सलमान यू डांस्ड वेरी वेल, आई एम वेरी हैप्पी दैट यू आर इन द फाइनल फोर। गीता, कैसा लगा हमारा ये हैंडसम बटरफ्लाई? ही इज ब्यूटिफुल, द वे यू एग्जीक्यूटेड दिस एंटायर थिंग, आप बहुत खूबसूरत बोले ना, बाकी आप दिख रहे हो खूबसूरत, आपने बहुत अच्छा, आपकी एग्जीक्यूशन जो है स्टंट्स की खास करके इज सो स्मूथ, या योर लैंडिंग फ्रॉम द रोमन रिंग्स वॉज वेरी नाइस, और वो स्ट्रगल एंड द वे यू केम डाउन फ्रॉम द हाइड्रोलिक एंड इज जस्ट वेरी वेरी टचिंग। लोग अगर देख रहे हैं तो प्लीज़ 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 ऑफकोर्स आप एक सीख लें इससे, सेव द अर्थ, सेव द ब्यूटिफुल बटरफ्लाइज, इट्स वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, सेव द ब्यूटी, एंड सलमान स्प्रेड योर विंग्स एंड फ्लाई चाइल्ड, आप एक हफ्ता दूर हैं सुनहरी तकदीर की, दुआ कीजिए मैम। रेमो, सलमान मेरे हर एक एक्ट को बहुत ही खूबसूरती से एग्जीक्यूट करता है, और आपने जिस तरीके से एक्सप्रेस किया है बहुत ही अच्छी तरीके से किया है। ये सिर्फ बटरफ्लाई ही का लाइफ नहीं है, ये हर एक वो जीव जंतु है जो पैदा होता है इस धरती पे, उसकी हालत यही हो रही है। सो अगर हम अब स्टॉप नहीं करेंगे तो सबकी हालत यही होने वाली है, सो प्लीज़ सेव अ प्लैनेट। दादा, कैसा लगा आपको? फर्स्ट टाइम जब बटरफ्लाई बैंक किया उधर, आई टेल यू जस्ट माय हार्ट वेंट, आई कुड फील दैट बटरफ्लाई वाज बैंक्ड ओवर इट। रेमो विल यू काइंडली कम ऑन द स्टेज, बिकॉज मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। जो कंसेप्ट के साथ आपने परफॉर्म किया कि आपको ग्रैंड सैल्यूट एक साथ दोनों को कैसे दूं, बस इतना ही दिखाना था। थैंक यू वेरी मच। आज आप अपने विंग्स फ्लाई करके बटरफ्लाई इफेक्ट के साथ अपना वोट और सपोर्ट जनता से मांग लीजिए। पहली बात तो मैं शुक्र करना चाहता हूँ खुदा का जिसने इस मुकाम तक पहुँचाया, और आप लोग जो वहाँ पे बैठ के देख रहे हैं, प्लीज़ प्लीज़ मुझे ऐसे ही प्यार देते रहिए, ऐसे अपने आशीर्वाद देते रहिए। आपका जो फ़ोन जो रखा हुआ है आपके पास, इतना अच्छा हैंडसेट जो पड़ा हुआ है उधर पे, हाँ वो प्लीज़ उठाइए और प्लीज़ टाइप कीजिए SALMN सलमान एंड सेंड इट टू 57575। अगर आप चाहते हैं कि मैं वो सुनहरी टोपी जीतूँ तो प्लीज़ प्लीज़ वोट फॉर मी। थैंक यू सो मच, आई लव यू ऑल। थैंक यू, थैंक यू सलमान, ऑल द बेस्ट। थैंक यू दोस्तों, डांस के सबसे बड़े मंच पर हिंदुस्तान की गलियों से निकलकर आए हैं चार फाइनलिस्ट, आज एक दूसरे को देंगे जबरदस्त डांस की टक्कर, लेकिन उसके बीच में आ गया है एक डांस ब्रेक। वेलकम बैक टू सबसे बड़े डांसिंग स्टार की खोज, लक्स डांस इंडिया डांस। अपने चहेते डांसिंग स्टार के जिस सोलो और जोड़ी परफॉर्मेंस को आपने सबसे ज्यादा पसंद किया है उसे ज्यादा से ज्यादा वोट कीजिए, क्योंकि सबसे हाईएस्ट वोटेड परफॉर्मेंस को लक्स डांस इंडिया डांस के ग्रैंड फिनाले में आप फिर देख सकते हैं। आज चार डांसिंग स्टार्स में से कोई एक डांस की टक्कर में सबसे लाजवाब परफॉर्मेंस देकर सुपर डांसर बनेगा, लेकिन उससे पहले हो जाइए तैयार, एक और फाइनलिस्ट आ रहे हैं अपना सोलो परफॉर्मेंस लेकर जनता के दिल में अपनी जगह बनाने। प्लीज वेलकम गीता की गैंग से महाराष्ट्र का गौरव सिद्धेश पाए। इस तपती धूप में ठंडी छाव कहाँ है, इस घुटन में राहत की सांस कहाँ है, इस बंजर जमीन पर बारिश की एक बूंद भी नहीं, सृष्टि की सबसे सुंदर रचना मानव पे धरती का ये प्रकोप क्यों?
na de re na na de re na na tum to na de re na na de re tum to na de re na na de re na na tum to na de re na na de re ye hausla kaise jhuke ye मुझसे छाव फल फूल पाकर मानव अपनी जरूरतों को पूरी करता है, पर कई बार मेरी ही हरी भरी टहनियों को काटकर वो मेरा विनाश भी करता है। मूर्ख मानव, क्या तू ये नहीं जानता कि मेरे ना होने से तेरा ही नुकसान होगा? There's a place in your heart, and I know that it is love. And this place is much brighter than tomorrow. And if you really try, you'll find there's no need to cry. In this place, you feel there's no hurt or sorrow. There are ways to get there if you care enough. मास्टर्स, आज का जो परफॉर्मेंस दिया, वेरी ब्यूटीफुल सिद्धेश, रियली नाइस, वेरी टचिंग, रियली आज बहुत ज्यादा डांसिंग दिखा एंड क्लीन दिखा, रियली नाइस। थैंक यू सो मच मास्टर रेमो। और अब मास्टर टेरेंस से पूछते हैं, मास्टर टेरेंस, सिद्धेश का परफॉर्मेंस आपको कैसा लगा? जो पहला सेक्शन था गाने में, देयर वाज लॉट ऑफ स्टकाटो एंड पर्कसिव मूवमेंट, वो मुझे बहुत पसंद आया, शार्प एंड इट वाज वेरी क्रिस्प। I liked it very, very much. जो English का गाना हुआ Heal the World, वो मेरा favorite है और message एकदम clear आता है। I think all in all, you did a good job. So all the best to you also. Praise the Lord, sir. Thank you. Thank you so much, Master Terence, Master Geeta. सिद्धेश, आज आपने इनके मुँह से तारीफ नया पार हो गई क्योंकि इन्होंने तारीफ कर दी। बहुत ज़रूरी है कि ये आपको उस स्टेज पे सराए हैं। एंड आई एम सो प्राउड ऑफ यू टुडे फॉर ब्रिंगिंग अक्रॉस द मैसेज दैट वेर एवर, जहाँ पर भी हरियाली हो वहाँ पे जिंदगी सुनहरी हो जाती है। आई लव यू सो मच मास्टर्स, क्या बात है। नैया तो यहाँ पार हो गई है, अब वहाँ देखते हैं कि नैया पार होती है या नहीं। जहाज पार होता है कि नहीं? जहाज, बिल्कुल जहाज। क्या बात है। आई कांट स्टॉप माई सेल्फ, आई एम सॉरी।
Anita, another brilliant concept. Brilliant. Absolutely mind-blowing. Thank you. Thank you so much, Grandmaster. So, vote mangi. मुझे वोट की बहुत ज़रूरत है और वोट से ज़्यादा भी आपका प्यार और आशीर्वाद. अगर वो है तो दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती मुझे डांसिंग स्टार बनने के लिए, नहीं आगे बढ़ने के लिए लाइफ में. इसको वोट करने के लिए टाइप कीजिए सिद्धेश, बहुत ही सिंपल है, SIDDEHUSH, और भेज दीजिए 57575 पर. थैंक यू सो मच. प्रेज द लॉर्ड. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय मुंबई. थैंक यू सो मच सिद्धेश. मैं यही उम्मीद करता हूँ कि आप ही बने इंडिया का सबसे बड़ा डांसिंग स्टार. इंशाल्लाह. थैंक यू सो मच. अब बैठ सकते हैं. जनता ने अपने प्यार और सपोर्ट से इनके विश्वास को दी है एक नई उड़ान, क्योंकि जनता ने इन्हें दिए हैं 3,43,107 वोट्स. तो क्या ये आज अपने परफॉर्मेंस से सबका दिल जीत कर सुनहरी तकदीर की टोपी पर अपना नाम दर्ज करा पाएंगी? Let's see and please welcome from Terrence ki Toli, Ranchi ki Rajkumari Alisha Singh. Kudrat हंस पड़ेगी हा अलीशा, मैं आपके बारे में क्या कहूँ. आप जब भी स्टेज पर आते हो और स्पेशली आज जब आप स्टेज पे हो तो मुझे बहुत फक्र महसूस होता है, बिकॉज यू रिप्रेजेंट द वुमन पावर. यार, अकेली लड़की लड़कों को टक्कर दे रही है. मेरा सपोर्ट तो अलीशा तुम्हारे साथ. जी, थैंक यू वेरी मच. लड़की हो यार, कुछ तो कहो. बोलो, आप लड़की के साथ हो या नहीं? गीता, आपका क्या ख्याल है? अलीशा के साथ. मैं तो ये कहती हूँ सलमान बच के रहना, अगली बार वो वहाँ पे चढ़ के चली जाएगी. दादा, आप मानते हो कि नहीं? मैं कुछ इतना ही कहूँगा कि मैं, मेरी भी एक बेटी है तो मैं भी उसी के साथ. Yeah!
सिर्फ वो नहीं मुझे मेरा स्टार याद आ गया, वो भी उसके साथ आए। जय नहीं चोलबे। हम लड़के के साथ ही रहेगा। मेरा स्टार भी उन्हीं के साथ है, बोलो। नहीं, मैं लड़कों के साथ ही हूँ। सच्ची क्या बोल रहे हो यार? रिमोट अरेंज साथ दो ना यार, ऐसा थोड़ी होता है। मैं तेरे साथ हूँ। अरे मतलब... मेरे साथ है, लड़कों के साथ रहो। हाँ तो तू लड़का नहीं है क्या? चलो अनीशा के बारे में भी कुछ पूछ लेते हैं। इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिया है उसने, रेमो कैसा लगा? वेरी 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 ब्यूटीफुल परफॉर्मेंस अलीशा। कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छा था, उसको जैसे आपने एग्जीक्यूट किया है वो भी बहुत अच्छी तरीके से किया है। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच मास्टर रेमो। और अब मास्टर गीता से पूछते हैं। मास्टर गीता, आपको अलीशा का परफॉर्मेंस कैसा लगा? मैं तो यही कहती हूँ कि आप डांसिंग स्टार ही नहीं, आप तो एक्टिंग की भी स्टार हो। आपके परफॉर्मेंस में आज आपने बहुत सारा एक्टिंग भी किया और बहुत अच्छी भी लगी आप। यू आर वेरी वेरी ब्यूटीफुल एंड दैट कम्स अक्रॉस इन योर परफॉर्मेंसेस। टेरेंस, कैसा किया अलीशा ने आज? इट वाज अ फ्लॉलेस परफॉर्मेंस। फीलिंग के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ, आपका टेक्निक, द क्वालिटी ऑफ मूवमेंट वाज ब्यूटीफुल। यू गेट अ सैल्यूट फ्रॉम मी। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग सच अ फैबुलस परफॉर्मेंस। थैंक यू सर। दादा, अलीशा, मैं पहले बता दूं, चारों के चारों परफॉर्मेंस लाजवाब। मैं रियली में कोई कंजूसी नहीं करूंगा, आई एम सॉरी। आई थिंक मैं जय के लिए नहीं खड़ा हुआ था, लेकिन मैंने कहा था सलूट। सलूट मींस दिस सलूट इवन टू हिम, इवन विद दिस सो मच ऑफ पेन ही फिनिश्ड दैट। थैंक यू सो मच अलीशा। आज का आपका परफॉर्मेंस बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आज के परफॉर्मेंस के बेसिस पे जनता आपको वोट करेगी और आपसे जनता को बहुत सारी उम्मीद है। अगले हफ्ते ग्रैंड फिनाले है और सुनहरी तकदीर की टोपी सिर्फ एक कदम दूर। मेरी जिद है कि मैं ही इंडिया की सबसे बड़ी डांसिंग स्टार बनूं और मैं अपनी दुनिया भी बदलना चाहती हूँ। प्लीज़ प्लीज़ मेरी इस जिद को आप कामयाब करें, मुझे वोट करें। वोट करने के लिए आप टाइप करें ALISHA अलीशा और उसे भेज दें 57575 पर। थैंक यू। थैंक यू अलीशा, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। और अब हमारे चारों फाइनलिस्ट एक दूसरे को देंगे अब तक का सबसे जबरदस्त डांस की टक्कर। हमारे तीनों मास्टर्स ऑफ डांस और ग्रैंड मास्टर सभी परफॉर्मेंसेस को जज करने के बाद मार्क्स भी देंगे और फिर मास्टर्स और ग्रैंड मास्टर के मार्क्स को मिलाकर डांस की टक्कर के विजेता का नाम अनाउंस किया जाएगा और वो कहलाएगा सुपर डांसर। लेकिन ये सुपर डांसर क्या है? क्या है तुम ही बता दो। बता दूं? एक मिनट। दादा एक बार भी नाचने के लिए नहीं आया मेरे साथ? क्योंकि मैं आपका आपके काबिल नहीं हूं इसीलिए। एनीवेज मैं समझ गया सुपर डांसर क्या है अभी। हाँ। ये अभी ने प्लान किया है ना? किसने? सौम्या ने प्लान किया था। सौम्या सच सच बोलना, सच के सिवाय कुछ मत बोलना। एक काम करो, गीता के ऊपर हाथ रखो और फिर बोलो। गुड वन जय, गुड वन जय, जाओ पहले गीता के ऊपर हाथ रखो। वेरी गुड, ओरिजिनल। दादा मैं गीता पे हाथ रखकर ये कसम खाती हूँ कि मैं जो कुछ कहूँगी सच कहूँगी और सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगी। और दादा सच ये है कि ये प्लान मैंने किया था और मैं आपके साथ नाचना चाहती हूँ। इस बात को तो मना कर ही नहीं सकते। देखा दादा,
मत मना करो. Come on, दादा. क्या यार, ये तो दादागिरी है. दादा, yeah! दादा ही रहोगे. थैंक यू वेरी मच फॉर लविंग मी. तो ये धोती में कभी सुपर डांसर देखा आपने? दादा आप धोती पहनो, आप कुछ भी पहनो, आप दादा रहोगे. जब तक रात ढलेगी मैं गाऊंगा, क्या आप मेरे साथ गाएंगे? जब तक सांस चलेगी मैं नाचूंगा, क्या आप मेरे साथ नाचेंगे? Yes, speechless and thank you. तो दोस्तों अब पता चल गया ना, आज ग्रैंड मास्टर मिथुन दा के गाने पर नाचेंगे हमारे चार फाइनलिस्ट. प्लीज वेलकम फ्रेंड्स की टोली से जय कुमार नायर. ए, लुंगी वाला अंदर कॉलेज में किधर जाता है? चल भाग यहाँ से, चल. क्या रहा, तू मेरे को लुंगी बोले? मेरे को लुंगी बोले? आई एम कृष्णन अय्यर यमिया, आज मैं लुंगी उठा का तुमको डिस्क नारियल दिखाएगी. देख हम ये लुंगी उठाती तुमको डिस्को दिखाती, जोश में आती तो फिर सबकी छुट्टी हम कर जाती, बारी बारी हम तुम सबकी ढोलक बजाती. आई एम कृष्णन अय्यर यम्ये, आई एम नारियल पानी वाला. आई एम कृष्णन अय्यर यम्ये, आई एम नारियल पानी वाला. आई एम नारियल पानी वाला, आई एम नारियल पानी वाला. ओ नखरे वाली तेरा दिल हम आज चुरा लेगी, देखेगी इस महफिल से हमको कौन निकालेगी. हम जब अंदर घुस जाती तो बाहर नहीं आती. आई एम कृष्णन अय्यर यम्ये, आई एम नारियल पानी वाला. नान नान कृष्णन अय्यर यम्ये, एलनी डिस्को नको नको. हम ये लुंगी उठाती तुमको डिस्को दिखाती, जोश में आती तो फिर सबकी छुट्टी हम कर जाती. बारी बारी हम तुम सबकी बैंड बजाती. आई एम कृष्णन अय्यर यम्ये, तेंगिल काय डिस्को नोडे. आई एम कृष्णन अय्यर यम्ये, आई एम नारियल पानी वाला. नान नान कृष्णन अय्यर यम्ये, एलनी डिस्को इंगे पार. नान कृष्णन अय्यर यम्ये, तेंगिल काय डिस्को नोडे. Right.
कृष्णा अय्यर यम्मे, आज तो तुम्हारी लुंगी ने सारे पैंट वाले पजामे वालों की छुट्टी कर दी। दादा टेरिफिक टेरिफिक जय टेरिफिक। कोई 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 कमेंट्स नहीं इसके ऊपर, मैं सिर्फ अपना मार्क्स दूंगा और बाद में पता चलेगा क्या दिया हूँ। टेरिफिक परफॉर्मेंस। हमारे मास्टर से नारियल पानी पीने में मस्त हैं भाई। बता दो हमारा कृष्णा अय्यर यम्मे कैसा किया आज रेमो? धमाकेदार परफॉर्मेंस था, सुपर्ब। और जो इसमें ट्विस्ट दिया आपने बीच बीच में, हाउस एंड लॉकिंग का जो कॉम्बिनेशन डाला है दादा के स्टेप्स को लेके, ब्यूटिफुली डन एंड ऑल द बेस्ट। सुपर, वेरी गुड। गीता कैसा लगा? जय क्या लुंगी उठाती कितना अच्छा नाचती और कितना अच्छा अच्छा ट्विस्ट भी डालती गाने में, मेरे को बहुत पसंद आती। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू यार जय, व्हाट एन एंटरटेनर। थैंक यू। टेरेंस कैसा लगा आपको इनका परफॉर्मेंस? बहुत अच्छा लगा। इनफैक्ट गए हफ्ते ही ग्रैंड मास्टर ने हमें एक जय के लिए एक सलाह दी थी, एडवाइस दी कि जो भी आप करते हो उसमें अपनी क्रिएटिविटी डालो और अपना रस डालो, तब वो गाना निखर के आता है और तब आप दिखते हो। तो हमने यही कोशिश की कि हम भी आपके स्टाइल में उसका रस डालें, हाउस और हिप हॉप का। आई होप आई हैव नॉट और रादर वी हैव नॉट फेल्ड यू। बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा, वेरी वेल डन। थैंक यू जय, यू डिड अ ग्रेट जॉब। आई रियली एंजॉय योर परफॉर्मेंस, अ थरा एंटरटेनर अगेन। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर। दादा मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। बोलो। आपका जो मैंने वीडियो देखा, कम से कम एक दिन तो मैंने पूरा वीडियो देखने में लगा दी, बिकॉज मेरे को इतना पसंद आपका गाने का वीडियो, इतना पसंद आया नारियल पानी वाला। मैं आपका एक्सप्रेशन हर बार कॉपी करें। इसके पीछे एक स्टोरी है, बताऊंगा बस शॉर्ट में। ये जो परफॉर्मेंस आपने देखा होगा कि कृष्णन अय्यर ये मैं अग्निपथ, लेकिन इससे पीछे के एक कैरेक्टर कैसे आया, मैं कोलीवाड़ा में हमारे जो फोर्थ ग्रेड बीएमसी के एम्प्लॉयज हैं वहाँ पेइंग गेस्ट के हिसाब से रहता था। वन फोर्थ फ्लोर में वन रूम किचन बाथरूम, और मैं नीचे सोता था 75 रुपीज़ देकर, और खटिए पे सोता था 150 रुपीज़ में मेरा केरलाइट दोस्त। एक दिन रात को ऐसा हुआ कि इतना बड़ा एक चूहा मुझे काट लिया एंड आई स्टार्टेड ब्लीडिंग प्रोफ्यूसली एब्सोल्युटली। सुबह उठा तो किसी तरह खून को बंद कराया, और जो 150 रुपीज़ देके केरला सोता था मेरा दोस्त, तो चला गया ऑफिस में एंड आई टुक दैट चांस और मैं उसके बेड पे सो गया। बट बैड लक, वो ऑफिस से 5 बजे वापस आना था, वो पहले ही आ गया और आके देखा कि 75 रुपीज़ देने वाला मेरे 150 बेड में कैसे सोया हुआ है। और उसके बाद उसने जिस तरह से मुझे गाली दी थी, क्या रात साला तू 75 रुपीज दे के मेरे 150 में सोएगी, क्या समझती थी कि आई एम गिविंग 150, यू गिविंग 75 और मेरे बिस्तर में तू सोएगी, ये मैं लूंगी उठा के तेरा क्या करेगी तेरे को मालूम। दादा हू बहू उनको कॉपी किया मेरा दोस्त, कहीं भी हो। थैंक यू सो मच। अगर आप उस तरह से गाली ना देते तो कृष्णन अय्यर पैदा नहीं होता, ये परफॉर्मेंस नहीं आता। एंड थैंक यू सो मच, इतना ही कहना चाहता था। हाँ जी बोलो। दादा एक बार वो लाइन बोलो ना, कृष्णन अय्यर यम ये आई एम नारियल पानी वाला। आई एम कृष्णन अय्यर यम ये नारियल पानी वाला। यम ये ठीक से बोलना, ये मैं नहीं, यम, यम ये। चारों फाइनलिस्ट अपने सपनों की आखिरी मंजिल से सिर्फ एक हफ्ते के फासले पे खड़े हैं, कहीं मत जाइएगा। विल कम बैक आफ्टर अ डांस ब्रेक। वेलकम बैक टू सबसे बड़े डांसिंग स्टार की खोज, लक्स डांस इंडिया डांस। अब हमारे दूसरे फाइनलिस्ट डांसिंग स्टार डांस की टक्कर देने आ रहे हैं गीता की गैंग से, महाराष्ट्र का गौरव सिद्धेश पाल। Give me a D, give me a I, give me a S, give me a C, give me a
आंखें आया हूँ मैं तेरे लिए जरा मुड़के बिना आंखें आया हूँ मैं तेरे लिए तेरे लिए तेरे लिए होगा यही सभी का सपना मिले कोई जो बन जाए अपना होता यही सभी का सपना मिले कोई जो बन जाए अपना कहने को तो दुनिया है अपनी तुम जो नहीं हो तो कुछ भी नहीं नजर में समा करे देखा है मैंने तुम्हें फिर से पलट के परफॉर्मेंस थी दादा क्या बात एनर्जी लेवल यू नो दिस सॉन्ग जितने भी उसने मिक्स किया है इट्स लॉट ऑफ एनर्जी आई मीन क्लास इट्स नॉट बिकॉज यू हैव डन माय सॉन्ग इट्स अबाउट द एनर्जी लेवल एंड फिनेश था और डेफिनेटली मिथुन चक्रवर्ती तो था ही और कुछ ज्यादा डोज में कभी कभी था गीता जी मुझे मालूम है आप बहुत बड़ी फैन है मेरी बहुत ज्यादा ही मुझे मिथुन चक्रवर्ती दिखाई दिया थैंक यू वेरी मच एंड वेरी वेल डन वेरी वेरी वेल डन थैंक यू तो चलिए अब मास्टर से पूछते हैं कि आखिर उन्हें आपका परफॉर्मेंस अच्छा लगा या नहीं या मास्टर टेरेंस से पूछते हैं सिद्धेश जो मैंने पहले भी कहा था और आज भी कहूंगा यू आर अ टोटल एंटरटेनर और आप ऐसे बॉलीवुड स्टाइल में एकदम मतलब चैंपियन हो तुम गब्बर कैसा लगा सुपर परफॉर्मेंस सुपर मुझे दादा जब मैं छोटा था जब मैंने दादा की ये सारी फिल्में देखी हैं और सारे मूवमेंट्स आपने आज लाइव दिखाया तो मुझे लग रहा है कि दादा ऐसे डांस कर रहे थे मेरे सामने डांस कर रहे थे ब्यूटीफुल परफॉर्मेंस फैंटास्टिकली डन एंड एंड वॉज रियली नाइस सुपर वेरी गुड मास्टर गीता सेकेंड टाइम नया पार हो गई जय आप नहीं जानते हो क्योंकि आई एम वेरी 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 फॉन्ड ऑफ दादा फिल्म्स मैंने कई बार देखी है डिस्को डांसर मैं चाहती थी कि आज जब सिद्धेश परफॉर्म करे तो कोई चूक ना हो इट शुडेंट लुक इन एनी वे दैट वो आपके स्टाइल को मॉक कर रहा है एंड इट इज़ डन विद ट्रू रिस्पेक्ट एंड ट्रू लव फॉर योर आर्ट फॉर्म और जो आप करते हो आपने आज बहुत अच्छा किया सिद्धेश थैंक यू वेरी मच फॉर मेकिंग माय ड्रीम लुक सो गुड हियर थैंक यू सो मच मास्टर्स थैंक यू हम मिथुन दास के पप्पी देना चाहते हैं आ जाओ जल्दी इतना अच्छा लगता है ना जब ये छोटे छोटे बच्चे यू नो पप्पियाँ देते हैं और जब ऐसे दो
सैंपल देते हैं तो सुना मेरे मास्टर्स को बोलते हैं तो सैंपल सुना आ रहे अरे नहीं दादा मेरी इज्जत पे हमेशा मेरी इज्जत पे हाथ डालते हैं यार अरे नहीं नहीं यार अरे बस करो यार सिद्धेश को पकड़ो अरे छोड़ो ना यार इसे सैंपल बोला तूने बट आई स्टिल लाइक इट थैंक यू सो मच इट वाज बेटर देन द पप्पी सो दादा ये बच्चे ही आपके फैंस नहीं है बहुत सारे फैंस हैं जो आपसे आज कुछ कहना चाहते हैं तो मैं आपको कुछ दिखाना चाहूंगा वेलकम टू माय किंगडम हर हफ्ते देखते हैं वेरी गुड फॉर यंगस्टर्स टू बी एनकरेज इसके अंदर जो मिथुन दा है ना सबसे मेन अट्रैक्शन शो का वो है मिथुन दा के डिसीजंस टोटली फेयर मिथुन दा को ही ग्रैंड मास्टर होना चाहिए औरों को नहीं ही इज वेरी नाइस एंड वो एकदम सही ढंग से जज करता है मुझे मिथुन दा बचपन से पसंद है और मैं उनकी बहुत बड़ी फैन हूँ आई डोंट हैव एनी फेवरेट कंटेस्टेंट बट आई वॉच इट ओनली फॉर मिथुन दा भाई आइयो क्या रे ये मार्क्स मैं रख देना है रे मार्क्स मैं तेरे को देगी देखना तुम आई एम कृष्णा अय्यर नारियल पानी वाला हम लुंगी उठा के तुमको डिस्को दिखाएंगे मिथुन दा वैसे हर आम आदमी का एक रोल मॉडल है ये शहर कमाल का शहर है फुटपाथ में सोया इस शहर में और जब पहली बार घर मिला था मम्मी डैडी को लाया सो दे स्टार्टेड क्राइंग बिकॉज पहली बार छत It's a great thing. I hope मैं दुआ करूंगा भाई तुम्हारे लिए तुम ये जीतो और तुम्हारी मम्मी को एक घर खरीद के दो We love you Mithunda. Mithunda is best. I love you Mithunda. You're too good. Mithunda you rock. Mithunda love you. You deserve grand salute. Thank you so much कि आपने कहा कि it is unfair. मैं पार्शियल नहीं हूँ डिसीशन के बारे में हो सकता है मैं उससे भी कहीं गलती हुई हूँ और आप लोगों ने कहा कि मैं माय डिसीशन इज गुड आई थिंक दैट इज द बिगेस्ट कॉम्प्लीमेंट एंड थैंक यू सो मच फॉर दैट आखिर डांस की टक्कर कौन जीतता है ये हम सारी परफॉर्मेंस देखने के बाद आपको बताएंगे ओके थैंक यू और अब पिछले दोनों फाइनलिस्ट डांसिंग स्टार को करारा जवाब देने आ रहा है एक और डांसिंग स्टार सलमान Allah
Wow, Salman, how do you do this? This looks so difficult. Yes, it is difficult. दिल का जो कीहोल है उसकी चाबी भी लटक रही है। नहीं नहीं नहीं, मुझे मैं खाने का बहुत शौकीन हूँ, तो ये पेट की चाबी है। अच्छा, पेट की चाबी। हाँ, the way to a man's heart is through his stomach. तो आपने inline skates पहने हैं, तो वो सब करना जो दादा करते हैं, with this it's not easy. और आपने inline skating भी बहुत खूबी से निभाया, बहुत सारा डांस किया आज. But all in all, I can tell you, Salman, it was a beautiful performance, very good performance. Keep it up. Terence, कितने scores हैं आज सलमान के लिए? 10. 10 on 10. इधर आपको कैसा लगा सलमान का performance? सलमान, very impressive. आपको skating आती, आपने उसका आज पूरा पूरा फायदा उठाया. Very well done. Scores पर सलमान. आप ऐसे क्या देख रहे हो सौम्या जी? Scores हैं मेरी तरफ से सलमान के लिए 10. रेमो, ये एग्जैक्टली सेम ड्रेस है, सेम सर्कल, सेम चावी आपने पहना है, सेम गाने में. सो मैंने वो एग्जैक्टली सेम फील रखा है और एक ट्विस्ट नीचे पाँव के नीचे रख दिया. यस, ऑफ कोर्स बहुत डिफिकल्ट होता है ऐसे डांस करना, बट आपने बहुत खूबी से किया है, फैंटास्टिक. एंड यस, फ्रॉम मेरी तरफ से भी आपको 10 है. थैंक यू सो मच, यू आर द बेस्ट. 30 on 30 from masters, that's very good. स्केट करके और मेरा स्टाइल अपना के फिट डांस करना, इट्स नॉट दैट इजी, इट्स नॉट दैट इजी. क्या बताएं आपके लिए, नजर ना लगे आपको, बस इतना ही कहूंगा. आई विल राइट माय मार्क्स. डांस की टक्कर का रिजल्ट क्या होगा ये हम सबके परफॉर्मेंसेस देखने के बाद बताएंगे. ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू. थैंक यू सो मच. थैंक यू. कहीं मत जाइए, डांस की टक्कर में आखिरी फाइनलिस्ट का जबरदस्त जलवा अभी बाकी है, लेकिन अभी एक डांस ब्रेक भी लेना जरूरी है. वेलकम बैक टू सबसे बड़े डांस शिक्षा की खोज, लक्स डांस इंडिया डांस. जीतने के जुनून में मदमस्त आखिरी फाइनलिस्ट आपको दिलाएंगे एहसास कि आखिर वो भी बन सकती है इंडिया का सबसे बड़ा डांसिंग स्टार. प्लीज वेलकम टेंस की टोली से रांची की राजकुमारी अलीशा सिंह. Next track.
वही धुन। लड़की को रुला दिया, एक डांस ही तो मांग रही थी। और मुझे मेरा स्टार याद। नहीं यार, नहीं नहीं नहीं। We want Jimmy, दादा। दादा, ना जिमी गाना बजेगा, मतलब वी वन जे, प्लीज प्ले जिमी जिमी आ जा। अब वक्त है ये जानने का कि अलीशा का परफॉर्मेंस हमारे मास्टर्स को कैसा लगा। गीता, अलीशा बहुत अच्छा परफॉर्म किया आपने। दादा एक बात पूछूं इस गाने के बारे में, सुपर डांसर के टाइम पे स्मिता पाटिल जी ने एक वाइट ड्रेस पहना हुआ था, बट शी हैड अ सर्टेन ग्लो, शी वाज एक्सपेक्टिंग हर बेबी, वाजंट शी, शी लुक ब्यूटीफुल। फिल्म इंडस्ट्री में अगर मैंने किसी को बहन कहा है, इट इज़ ओनली स्मिता। आफ्टर शी पास्ड अवे, मैंने उसके बाद और किसी को बहन नहीं बना, बिकॉज आई कुडंट टेक द शॉक दैट शी लेफ्ट मी। आई लव यू स्टिल। एंड अलीशा, ऑन दैट नोट मैं इतना ही कहूँगी कि जितना एनर्जी उन्होंने उस वक्त डाला था उस गाने में, आपने उसको आज बहुत एनहेंस किया है और आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। परफॉर्मेंस, यस अलीशा आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, स्पेशली वो जो सीडी के साथ आपने किया, वो बहुत ही अच्छा लगा मुझे। एंड यस, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस, सुपर्ब, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। टेरेंस, अलीशा आप एक बिगनर हो तो आप कैसे, मुझे पता नहीं क्या मैजिकल पोर्शन है आप में कि आप इतने कॉन्फिडेंस के साथ उतरते हो बिना कुछ सीखे। आई रियली रिस्पेक्ट दैट अबाउट यू, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच मास्टर्स, थैंक यू। अलीशा आपने हमारे ग्रैंड मास्टर के स्टाइल को अपनाया था और डांस किया था, तो अब उनसे ही पूछते हैं कि आखिर उन्हें आपका परफॉर्मेंस कैसे लगा। मैं तो ये सोचता था कि भाई लड़के लोग कॉपी करते हैं और लड़कियां भी इतना अच्छा कॉपी करती, पहली बार देखा है। ग्रैंड परफॉर्मेंस था, ग्रैंड परफॉर्मेंस। थैंक यू सर। ऑल टुगेदर क्लास। थैंक यू सर। मैं चाहूंगी कि सलमान, सिदेश और जय आप भी मंच पर आ जाएं। तो दोस्तों अब वक्त आ गया है ये जानने का कि आखिरकार इस फाइनल डांस की टक्कर में सबसे लाजवाब परफॉर्मेंस देकर कौन बन गया है सुपर डांसर। तो मैं ग्रैंड मास्टर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो प्लीज अनाउंस करे कि आखिर कौन जीता है ये डांस की टक्कर, और साथ ही साथ लग सबसे खूबसूरत परफॉर्मेंस ऑफ द डे का खिताब भी। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि चारों चारों के चारों ने जबरदस्त परफॉर्मेंस दिया। आई कुड सी माइसेल्फ, मिरर जैसे लग रहा था कि आई एम स्टैंडिंग देयर। लेकिन आज सुपर डांसर देते वक्त मैं थोड़ा सेल्फिश बनूंगा, और जो मैं लिखा हूं, मेरी बेटी जिसका फैन है उसका नाम लिखा हुआ है। अब चारों ने अच्छा किया है, इसको सिर्फ ये सोचकर बोलिएगा कि मेरी बेटी की जो खुशी है वो मैं पूरा कर रहा हूं। तो आज जो फाइनलिस्ट डांस की टक्कर को जीतकर बन गया है सुपर डांसर वो है अलीशा। Congratulations, आप जीत चुके हैं डांस की टक्कर और आपको मिलता है लक्स के तरफ से ये गिफ्ट वाउचर। जोरदार तालियां हो जाए अलीशा के लिए। आज हमारे शो का कॉन्सेप्ट था पृथ्वी यानी मदर अर्थ, और उस थीम को लेकर आज जो फाइनलिस्ट
सबसे लाजवाब परफॉर्मेंस देकर जीत गया है लक्स सबसे खूबसूरत परफॉर्मेंस ऑफ द डे का खिताब. उसका नाम है It's Salman! Congratulations, आप जीत चुके हैं लक्स सबसे खूबसूरत परफॉर्मेंस ऑफ द डे का खिताब और आपको मिलता है लक्स की तरफ से ये गिफ्ट वाउचर. ये मेरे सारे दोस्तों के लिए जो यहाँ पे बैठे हुए हैं. This is for you guys. All you guys, you're the best. अगले हफ्ते 30 मई 2009 को लक्स डांस इंडिया डांस के ग्रैंड फिनाले में आपके फैसले के अनुसार चारों फाइनलिस्ट में से कोई एक बनेगा इंडिया का सबसे बड़ा डांसिंग स्टार. प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर आवर फोर फाइनलिस्ट सलमान अलीशा जय सतीश. मैं तो यहाँ जीता रहा सारे गम दिल के भुला के